हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग किस तरीके से किसी भी फाइल को फॉर्मेटेड टेक्स्ट में सेव करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने उस फाइल को ओपन करना है और फिर क्लिक करना है इस फाइल पे। इसके बाद आपने क्लिक करना है सेव एज पे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अब लोकेशन जहाँ पे आप फाइल सेव करना चाहते हैं। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फाइल टाइप को चेंज करिए फॉर्मेटेड टेक्स्ट। उस पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद सेव। अब दोस्तों आपके पास ये बॉक्स अपीयर होता है जहाँ पे कि आपको सेलेक्ट करना है ओके, और फिर यहाँ पे एक और बॉक्स आएगा जहाँ पे ये बोलता है कि डू यू वॉन्ट टू कीप यूजिंग दिस फॉर्मेट। यहाँ पे यस करेंगे और ये सेव हो चुका है। अब दोस्तों मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम फोल्डर है। इसे ओपन विथ करिए और नोट पैड सेलेक्ट करके ओके करिए क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा फॉर्मेट जो आपका था यहाँ पे सेम एक्सेल फाइल यहाँ पे फॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में जाहिर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कंप्लीट बेसिक टू एडवांस एक्सेल ट्यूटोरियल के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और इसी तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज़ के लिए हमारे वेबसाइट mahagurus.com पे विज़िट करें। थैंक यू।